ठीक हो गया, हमें ज्वाइन है दो ग्राफ का, जीवन जी टू, जीवन का जो ऑर्डर है वो एन वन है, साइज एम वन है, जी टू का ऑर्डर एन टू है, साइज एम टू है, शायद हमें इनकी जरूरत पड़े इसलिए ये नोटेशन मैंने मेंशन कर दी शायद, ठीक है। तो हमने ज्वाइन का फर्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सपेंड करना है, तो जरा थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट करें, स्टेप सेम होंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपने यूज करनी होगी, बाकी स्टेप जो है वो सेम होंगे, कोई 5-7 मिनट लगाएं जरा, और उसके बाद मैं कुछ स्टूडेंट इससे कहूंगा कि वो अपनी वर्किंग शेयर करें, ठीक है। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए, ठीक है। किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो वो डिस्कस कर सकता है, वो पूछ सकता सर, ये जो है। अभी किया हमने वो उनकी बात कर रहे हैं कि वो स्टेप सेम किया। समहाउ इसी तरह की कंप्यूटेशन लेके चलनी है, ज्वाइन की डेफिनेशन आपको क्लियर है, ज्वाइन की डिग्री भी अगर आपको पता है, इसलिए मैं इसी को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर आप फर्स्ट एग्रीमेंट एक्स, ज्वाइन के ऊपर फर्स्ट एग्रीमेंट एक्स की डेफिनेशन अप्लाई करें, जिस तरह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डेफिनेशन अप्लाई की। ओके सर, पर वो जो आपने एक और कार्टेशियन के लिए निकालना था वो जरा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलें फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास। अच्छा, मैं ज्वाइन जो है ना उसको जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइन को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि नोटेशन ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो जब भी जहाँ पे भी जी आएगा उसका मतलब ज्वाइन होगा। चलिए ये हमारे पास डिग्री, प्रीवियस जी चलें जी, प्रीवियस स्क्रीन अगर मैं शेयर करूं तो ज्वाइन जो है वो कंपैरेटिवली इससे इजी है कार्टेशियन से। है जी सर। सर इसको एज के हिसाब से करें या फिर वर्टेक्स के हिसाब से कर दें? एच की टेक्निक मैंने बताई है, अगर आप एच की पॉइंट ऑफ व्यू से कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई स्टूडेंट वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहा है तो वो भी बेहतर है, मुझे कोई इशू नहीं। तो इसलिए कि जो आपने की जो डेफिनेशन था इसमें वर्टेक्स की यूज हो रहा है, एंगल डिग्री की। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिकली जैग्रिप इंडेक्स की डेफिनेशन जो
जो एक वर्टिसेस के लिए है, जो एजेस के लिए है, वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम ज्वाइन के ऊपर वर्टेक्स वाली भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं और एज वाली, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी किसी स्टूडेंट ने कंप्लीट किए?
बात सुन रहा है या बस गुमचुम हो गए सारे? किसी की तरफ से कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था यार ये। तो कुछ बनाया का इतना लेंथी मुझे लग नहीं रहा था। सर ये एक रफ सा बनाया है मैंने, अब पता नहीं ये ठीक है या गलत है। अच्छा ठीक है, आप शेयर करें जरा। शान, आप शान ही हो ना आप, क्योंकि नाम मेरे पास यस सर। मोस्टली आते नहीं। चलें ओके, शेयर करें जरा। फिर मैं ग्रुप में करता हूँ। ओके अहमद राजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही होगी। चलें अनीजा आप शेयर करें, आपने जितना अब तक कर लिया है। असरा आप भी शेयर करें जरा, जितना भी कर लिया है ठीक है। ये नहीं कि कंप्लीट होगा तो मैं सेंड करूंगा। सर आवाज आ रही है आपकी? वालेकुम सलाम। अहमद कुछ काम शाम किया है या कोई नहीं यार? सर किया थोड़ा, बस कर रहे हैं, सेंड कर देता हूँ मैं। अभी सेंड करो अहमद, जो भी जितना भी आपने सेंड कर दिया। निजा आप भी सेंड करो और असरा आप भी सेंड करो ठीक है। सर ग्रुप ग्रुप में कर देता हूँ। ओके ओके, जल्दी से मैं वेट करूँ इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट सर मैंने पिक्चर सेंड की है। एक एक पिक्चर आई है, आप कौन है अभी देख लेते हैं। अनीजा चलिए, और कभी किसी किसी स्टूडेंट ने शेयर नहीं किया अभी? चलें, दो स्टूडेंट सेंड किया है। ओके वापस आ जाए जरा, तमाम स्टूडेंट जो है छोड़ दें, थोड़ा सा काम करते हैं, टाइम काफ़ी है 7:15। मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस भी कराना चाह रहा हूँ, एक इंडेक्स के लिए काम करना चाह रहा हूँ, तो ज़रा उसके लिए भी देख लेते हैं ठीक है। छोड़ दो ज़रा, वापस आ जाइए वाइट बोर्ड की तरफ ठीक है। हम बात करना चाह रहे हैं ज्वाइन के ऊपर ठीक है।
डेफिनेशन सबसे पहले राइट करते हैं एम वन ऑफ जी। मैंने आपको पहले बता दिया जी का मतलब जी वन प्लस जी टू, आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन का मतलब हमारे पास होगा यू वी बिलोंग टू एच सेट ऑफ जी डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी। ओके, ये हमारा डेफिनेशन है फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स की। अब हम फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स के ऊपर जाते हैं कि उसमें एजेस किस तरह के हैं। ठीक है, मेन चीज़ें एजेस किस तरह के हैं। सपोज अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास जी वन है, ये हमारे पास जी टू है, तो इसके तमाम मैचेस काउंट हो रहे हैं। ठीक है, इसके तमाम मैचेस काउंट हो रहे हैं और वो तमाम मैचेस काउंट हो रहे हैं जिनका एक वर्टेक्स जी वन में है और दूसरा वर्टेक्स जी टू में। तो जरा इसके इस इन एजेस को देखते हुए हम देखते हैं यू वी बिलोंग टू एच सेट ऑफ जी वन डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी प्लस समेशन यू वी बिलोंग टू एच सेट ऑफ जी टू डिग्री ऑफ यू। सर व्हाइट बोर्ड थोड़ी देर बाद शो हो रहा है आपको, बोल दे सर। ओके 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 चलें। और जो तीसरा टाइप का जो एज है वो हमारे पास है यू बिलोंग टू वर्टेक्स ऑफ जी वन वी बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू डी यू प्लस डी वी। अभी मैंने डिग्री की डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी हुई वो अप्लाई नहीं की, ये कहाँ पे आ रही है, अभी जी में ही है। जी का मतलब ये अभी ज्वाइन डी में है। ठीक है, यहाँ तक बात की लिए सबसे पहले हमने एजेस की बेस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डाल दी। ठीक है, वैसे तो हमें इसी स्टेप में वो डेफिनेशन ऊपर अप्लाई कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखिए जी वन है और यहाँ पे जी वन और जी टू दोनों हैं, तो बेहतर तो यह है कि इस स्टेप में हम उसकी साथ जो हमने ऊपर डिग्री का बिहेवियर पर डिस्कस हुआ है ये वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। चलिए हमें नहीं किया, हम नेक्स्ट में इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। आप देख सकते हैं वैल्यू पुट करने का मतलब क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि यू वी दोनों जो है दोनों पॉइंट जो है वो कहाँ से हैं, जी वन से हैं। अगर दोनों पॉइंट जी वन से हैं तो इसका हम क्या मतलब है कि यू की डिग्री जो है हमें वो जी वन में चाहिए होगी प्लस एन टू, और वी की डिग्री की मैं बात करूँगा तो वो भी जी वन में है वी प्लस एन टू। ये बात क्लियर है जी सर, ये बात समझ आई। बाकी लोग भी जरा बता दें क्योंकि ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कंपोजिशन। चलिए अगर समझ आ गई तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यू वी बिलोंग टू, अब हम बात कर रहे हैं जी टू की, तो ठीक है जब हम जी टू की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ यू इन जी टू प्लस एन वन प्लस डिग्री ऑफ वी इन जी टू प्लस एन वन। अगर हम बात करेंगे उन एजेस की जिनका एक वर्टेक्स जो है वो यू में है
यानी कि वो G1 में है और दूसरा वर्टेक्स जो है वो G2 में है। ये कैसे करेंगे? अब देखिए, जो G1 में है, U जो है वो G1 में है। G1 में होने का मतलब है कि U1 U प्लस N2। V जो है वो G2 में है, G2 का होने का मतलब है कि डिग्री ऑफ V इन G2 प्लस N1। जी, ये सब क्लियर है? जी सर। कोई स्टूडेंट इसको थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गए, ये चीज क्लियर नहीं है, ये स्टेप क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। हम यहाँ पे इसकी डिग्री नहीं एग्जैक्ट पुट कर सकते, क्यू की डिग्री जो G1 यूनियन G2 में है। तो ये बेसिकली हमने वही डिग्री पुट की है। अगर आप बात कर रहे हैं तो, अगर आप देखें तो ये यूनियन में, इनफैक्ट ज्वाइन की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो डिग्री है जो ज्वाइन में है। आपका यही क्वेश्चन था सर? G1 सर, G1 के अंदर जो U की डिग्री है वो N1-1 नहीं होगी? N1-1 नहीं, ऐसा नहीं। फिर मैं बात करूँ, आप किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए तो ठीक हो, लेकिन जनरली G1 में कितने एजेस, कितने वर्टिसेस हैं हमें नहीं पता। ठीक है, अगर मैं वापस जाना चाहूँ, फर्ज करें ये आप राइट साइड पे, इधर हमारे पास फिगर है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास यू है। ठीक है, यू की इस वक्त डिग्री जो G1 के अंदर है सपोज 3 है, ये 4 भी हो सकती है, ये 5 भी हो सकती है, ये मैक्सिमम N1-1 हो सकती है, मैक्सिमम एनवन, वो भी आप जब G1 कंप्लीट ग्राफ हो, नहीं कंप्लीट तो नहीं कह सकते, जब ये वर्टेक्स यू जो है जो हर वर्टेक्स से अटैच होगा। ठीक है, तो यू की मैक्सिमम डिग्री N-1-1 हो सकती है, लेकिन उससे कम भी बिल्कुल हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी हो सकती है, हमें नहीं पता होती है। ठीक है, प्लस ये डिग्री ऐड होगी, ये वर्टिस ऐड होगी। ठीक है, तो इस वक्त जो हमने यूज करना है वो हमने यही चीज़ यूज करनी है, और यही हमें पता है कि जनरल फार्मूला जो डिग्री का है वो यही है जो हमें पता है, इसलिए हमें और डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। जी ठीक है, बात क्लियर है? लग नहीं रहा कि कुछ कंफ्यूजन अभी भी लग रही है आपको, ऐसा ही है? नहीं सर, समझ आ गई है सर। एक्चुअली मैं इस बेस पे बात कर रही थी कि G1 का जो वर्टेक्स हमने चूज किया है, अब वो बाकी सबसे अगर अटैच होता है तो फिर उसकी डिग्री N1-1 नहीं आएगी? जी, वो मैं बात करूँ, वो एक पर्टिकुलर केस में आएगी, अगर वो अटैच नहीं है तो फिर तो हमें डिग्री नहीं पता ना। जी सर, चलिए ठीक हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आगे जैसे कंपटीशन का काम है। कंपटीशन का क्या मतलब है जरा वो देख लेते हैं। समेशन यू वी बिलोंग टू, अब मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए G1 ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लगे जा रहा, जल्दी से फारिग करें, टू N2 प्लस डिग्री ऑफ G1 U प्लस डिग्री ऑफ G1 V समेशन यू वी बिलोंग टू G2 टू टाइम N1 प्लस डिग्री ऑफ G2 U प्लस डिग्री ऑफ V समेशन, इसका क्या करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जब हम लोग यू बिलोंग टू G1 से है और वी बिलोंग टू G2 से है, इसलिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यानी मैं देखती हूँ N1 प्लस N2 प्लस पहली वाली ब्रैकेट के लिए काम करते हैं, पहली वाली समेशन के लिए काम करते हैं। पहली समेशन का मतलब है कि अभी हम इसके लिए काम करते हैं, ये हमें क्या दे रही है, मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे बताएं। अगर मैं समेशन इसके साथ अप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आएगा सर? 2 N2 और प्लस साइड पर रहेगा, बाकी सर दोनों पे अप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाए, तो फाइनल आंसर बनेगा 2 N2 मल्टीप्लाई बाय, कोई बताएगा क्या आएगा सर? उसके सारे एज सम ऑफ एजेस का आएगा M1। ठीक हो गया, प्लस की बात करते हैं।
अब अगर मैं इस मिशन अप्लाई करता हूँ, ये इस मिशन अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे इनके ऊपर, ठीक है, अगर मैं अब कंसिडर करता हूँ उस मिशन को, तो बताएगा कोई क्या आंसर आएगा? सर M1 of G1 आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स ऑफ M1 of G1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड सबमिशन पे जाता हूं तो वहां से मैं क्या मिलेगा? 2 N1 मल्टीप्लाई M2 ये होगा प्लस M1 of G2। किसी स्टूडेंट को इस स्टेप पे समझ में आई हो? सर इसमें 2 एंड 2 तो क्लियर हो गया और M1 G1 भी क्लियर हो गया, ये जिस M1 जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ये कैसे आया? चलिए इसको समझते हैं, जरा आप साथ रहिए कि मुझे ये बताएंगे। फर्स्ट कर मैं इस मिशन की बात करता हूँ जो मैंने अभी सर्कल किया है, और ब्लू में कर देता हूँ आसानी के लिए, ब्लू में मैंने सर्कल किया, ठीक है। आप देखिए इस मिशन कौन से ग्राफ पे अप्लाई हो रही है? तो G1 पे। समेशन के नीचे क्या है? समेशन के नीचे तो ब्लू जो आपने किया है उसमें G2 है। एग्जैक्टली G2 और समेशन बिल्कुल G2 है, और जो उसके साथ गिवन है डाटा वो क्या चीज है? 2n2 ठीक है, 2n1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। लाइक अगर मैं लिखने की ट्राई करूं तो UV बिलोंग टू G2, तो 2n1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? 1। तो यही काम हमने अभी पिछले उसमें भी किया था, ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो उसके ऑर्डर ऑफ द ग्राफ जी साइज 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 ऑफ जी सर। की मिसिंग सी ये बात क्लियर? जल्दी से अप्लाई करें, यस नो, नहीं तो फिर आगे मुकर अगर क्लियर है तो। नहीं सर मुझे नहीं समझ आई, मैंने बताया अभी। अच्छा चले मुझे ये बताएं इसी की समझ आई जो मैंने अभी ये राइट किया है? जी सर। चले अब मैं एक और चीज राइट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे। जी सर समझ आ गई सर। सर वो एजेस की बात ही कर रहे हैं ना, जितने एजेस होंगे वही आ जाएंगे, जितने एजेस होंगे एग्जैक्टली वो M2 है। जब हम G1 की बात करेंगे ठीक है, तो वो M1 होंगे। चलिए जी थर्ड सबमिशन की बात करते हैं। थर्ड सबमिशन में हमारे पास क्या होगा? इसमें N1 N2 जो है बाहर आ जाएगा, और बाकी यहाँ से M1 और M1 प्लस M2 और साथ ही डिग्रीज आ जाएंगे। चलें देखते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है। ज्वाइन के केस में जब एक वर्टेक्स जो है वो हमारा G1 से है और दूसरा वर्टेक्स जो है वो हमारा G2 से है, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होगी? सेकंड जो थर्ड सबमिशन है हम उसको लिखना चाहे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यू बिलोंग टू जी वन, वी बिलोंग टू जी टू, एन वन प्लस एन टू प्लस डी जी यू प्लस वी। जी सर ठीक है, जो रेड में जो ऊपर लिखा हुआ है वो आप हमारे लिए मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है, उसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। जो थर्ड हमारे पास मिशन है उसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं।
जी आपने से कोई बताएगा कि ये चीज इस वक्त कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर ये कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर वगैरह स्टाइल से ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। जी टू को और जी वन को हमने सिंपली कैसे लिख सकते हैं? ये एन टू क्यों है? एन टू की वजह से आया, एन वन क्यों है? ये जी वन की वजह से। जी सर परचेस का सेट। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। सोलह यू बिलोंग टू जी वन, समेशन वी बिलोंग टू जी टू, जी वन यू प्लस समेशन यू बिलोंग टू जी वन वी बिलोंग टू जी टू डी जी। इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। ये चीज़ हमारे पास एज इट इज आ गई, इसको भी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये ऐसे नीचे आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। अच्छा अगर हम जी टू को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे तो जी टू है ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी टू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट होने के बाद वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, जब वो समेशन के ऊपर अप्लाई होगी तो हमें मिलेगा यहाँ से टू एम वन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हमें मिल जाएगा एन टू। सिमिलरली ये जो चीज़ होगी ये अप्लाई होगी, ये हमें देगी टू एम टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी एन वन। ठीक है, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। मैं अब ओवरऑल लिख रहा हूँ जो मैंने ऊपर भी फाइंड किया था उसको, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको उठा के मैं नीचे लेके आऊँ। ठीक है, ताकि हम इसको कंबाइन करें और फाइनल करें। तो क्या हमारे पास आंसर आ रहा है अभी? टू एन टू एम वन प्लस एम वन ऑफ G1 plus 2N1 M2 plus M2 G2 plus N1 plus N2 multiply by N1 N2 plus 2M1 N2 plus 2M2 N1। तो ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन बना है किस चीज का? M1 of G, तो G हम जो हमारे पास हुआ है ज्वाइन। ठीक है, इसको जरा मैं स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी स्टेप में, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी से गो थ्रू में मैं सेकंड जैगरी इंडेक्स की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सेकंड एग्जैक्टिव इंडेक्स के लिए भी हमारे लिए काम सिमिलर है। सपोज इसके लिए मैं करूँगा नहीं, लेकिन पेपर में जो हुआ है जस्ट मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी मैंने आप लोगों ने स्क्रीन शेयर की है जिसके अंदर डिस्कशन वो कर रहा है जी एंड जी टू बी ग्राफ्स एम टू ऑफ जी ग्रोथ, मतलब जी और एच की उसने सेकेंड एग्रीमेंट इंडेक्स का उसने कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड किया। सेकेंड एग्रीमेंट इंडेक्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि यू वी बिलोंग टू एच सेट ऑफ जी डिग्री ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ वी। ठीक हो गया, अगर हम डिफरेंस देखना चाहें एम वन जी में तो डिफरेंस कहाँ है? सिंपल यू वी प्लस डी वी, वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जी टू में सॉरी एम टू में और एम वन में एडिशन। ठीक है, बाकी सारा काम जो है वो एज इट इज होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जस्ट कंपटीशन है, आपने उसी को लेके चलना होगा। अगर देखें सेकंड जैगरी इंडेक्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ उसने डेफिनेशन अप्लाई की है। ठीक है, उसके बाद अंदर उसने डिग्रीज की वैल्यूज दे दी हैं, आप देख सकते हैं इसकी हमारे पास आंसर ये आया है, इसका आंसर हमारे पास ये आया है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जिस तरह एजिस बन रहे हैं उसने वो राइट किए जो हमने फर्स्ट में काम किया था, सेकेंड में प्लस अगर एच इस तरह पा रहे हैं कि दूसरा कंपोनेंट सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में आंसर इस तरह का बनेगा। ठीक है, बीच वाले सारे स्टेप जो हैं वो इसने स्किप किए हैं। ठीक है,
बीच वाले सारे स्टेप्स ने स्किप किए हुए हैं और जस्ट उसमें फाइनल आंसर लिखा। इसी तरह मजीद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, दोनों पेपर तो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। जी वन जी टू अब जी एन हमारे पास एन ग्राफ हैं, उनका हमने ज्वाइन ले लिया एन ग्राफ्स का, ठीक है। तो उसका जब सेकंड डिग्री इंडेक्स की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बने, ठीक है, काफ़ी लेंथ एक्सप्रेशन है। एनी इसके ऊपर भी हमारे पास मेथड वही रहेगा जो हम डिस्कस कर, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दोनों एजेस जो हैं वो सेम ग्राफ से हैं, जब सॉरी दोनों वर्टेक्स सेम ग्राफ से हैं, जब एक वर्टेक्स वी आई से एक वर्टेक्स वी जे से, ठीक है। हमने भी इसी तरह भी डिवीजन की थी कि अगर वर्टेक्स सेम से हैं तो हमने इतना राइट किया था, अगर डिफरेंट से हैं तो हमने उसको इस तरह हमने सेपरेट कर दिया। बात उसके बाद हमारे पास जस्ट कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन करेंगे हमारे पास ये आंसर। तो ऑपरेशंस का जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास तीन लेक्चर मौजूद हैं और आपकी प्रेजेंटेशन भी है, मुझे याद आ रहा है, ठीक हो गया, प्रेजेंटेशन भी है। सर आप सर अगर अभी से सब कुछ ईजी हो जाएंगे, ऐसे सर वो डेली पूछना होता है कि कभी किसी का नहीं है, तो सर आप अपनी मर्जी से उसके टाइम टेबल बना के रखें किसकी किस वीक में आनी है, दो में या तीन में टोटल सब जी जी में शेयर अच्छा, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी मुझे कोई बताएगा कि आपकी चलें इस वक्त कितने लोग भी मौजूद हैं, मैं देख लूँ ताकि बेटर 29 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अटेंडेंस में ले रही है जी, 29 स्टूडेंट है। सर हमारे पास 35 शो हो रहे हैं, पता नहीं 35 शो हो रहे हैं, 35 तो मेरे तो अच्छी बात है, तो मेरे पास भी 34-35 है टोटल। चले 35 अगर हैं तो यार मेरे तो की बात इतने ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। चले मैंने अटेंडेंस अभी डाउनलोड की है, मैं वहाँ से देखता हूँ कि कितने शो हुआ। चलो ठीक है, हो गया टेनिस मेरे पास, आके मैं इसको देख लेता हूँ। चलें अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ से लेक्चर एंड करूँगा, लेकिन लेक्चर एंड करने से पहले एक क्विज समझ लें या जो भी समझ लें, आप लोगों के जो भी ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं ही ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू में एक और असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। वो असाइनमेंट ये होगी कि आपने जो हमने डिस्कस किए हैं ऑपरेशन, वो इसके अलावा भी बेशुमार ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं, आप उनकी डेफिनेशन को पढ़ें, ठीक हो गया, आप उनकी डेफिनेशन को पढ़ें और हर ग्रुप ने अपनी तरफ से एक नया ऑपरेशन डिफाइन करने की ट्राई करनी है, ठीक है। करना क्या होगा, आपने फर्स्ट को ज्वाइन की डेफिनेशन देखी है, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और अपना कोई ऑपरेशन बनाने की ट्राई करें। आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। तकरीबन 7 या 8 ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 7 या 8 नए ऑपरेशन जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी ग्रुप बने हैं 5 स्टूडेंट का या 6 स्टूडेंट का, हर एक ने अपनी एक ग्रुप ग्राफ ऑपरेशन नया डिफाइन कराना है, डेफिनेशन लिखनी है, साथ उसकी एग्जांपल एक छोटी सी लिखनी, ठीक है।
मैं ये चीज़ जो है मॉलेम पे अपलोड कर दूंगा, तो आपने नेक्स्ट वीक तक करना कुछ होगा, आपने 10-12 जो है वो ग्राफ ऑपरेशन पढ़ने हैं, 10-12 में जो आपको ज़्यादा आसान या जो ज़्यादा समझ आ रहा है, ठीक है, आपने उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी, या आप अपनी तरफ से भी बिल्कुल न्यू डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करें, कोई नया अपनी तरफ से ग्राफ ऑपरेशन बनाए, लेकिन ये आपकी ग्रुप वाइज जो है वो एक असाइनमेंट, ठीक हो गया। तो अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह ऑलमोस्ट 7:40। कोई क्वेश्चन है, किसी का कमेंट है, तो मैं 1-2 मिनट अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। सर ये जो आपने प्रेजेंटेशन दी है वो हमने एक्सेप्ट करनी है ना, मतलब जैसे पहले असाइनमेंट वगैरह इस तरह। पहले जो दी है जी बोले सर, मेरा कहने का मतलब था कि ये जो आपने असाइनमेंट दी है ये जो आपने कहा, तो इसमें हमने इंडिविजुअल करना है ना, अगर कोई इंडिविजुअल करना चाह रहा है तो मुझे उस पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने वैसे ग्रुप वाइज दी। अगर कोई इंडिविजुअल भी करना चाह रहा तो मुझे उस पर भी कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। एक ग्रुप में से कितने लोग प्रेजेंट करेंगे? एक ग्रुप में से 6 लोग हैं, तो 6 के 6 प्रेजेंट करेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये हमने फर्स्ट जैगरिप जो फाइंड किया एजिस के लिहाज से, अगर हम इसे सर वर्सेस के लिहाज से, जिस तरह शान भाई ने कहा था वर्सेस के लिहाज से करें, तो उसका थोड़ा सा स्केच तो बता दीजिएगा सर कि किस तरह लेके चलेंगे सर, अगर उस लिहाज से करेंगे तो सर। अच्छा चलें, अगर मैं आपसे एक पेपर शेयर कर दूँ, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर ये चीज़ उसने वर्टिस के पॉइंट ऑफ से की हुई है। अगर आपसे अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो इस ये पेपर ऑलरेडी आपसे शेयर है, द फर्स्ट एंड सेकंड जैगरिप इंडिसेस ऑफ सम ग्राफ ऑपरेशन, इसने ये सारा काम जो है वो वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो इसने नहीं दी हुई है, लेकिन इसने सारा काम जो है वो वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। ओके सर।